क्या सोच रहे हो मित्रों? क्या मुख लेके जाओगे अपने प्रजाजनों के सम्मुख जब वो पूछेंगे कि स्वयंवर में क्या हुआ? तो ये गाथा बताओगे कि हम महाबली एक धनुष तक ना उठा सके और हमारी नाक के नीचे से भिक्षा पे जीवन व्यतीत करने वाला एक ब्राह्मण पांचाली को लेके चला गया? अगर पांचाली हमारी न हुई तो किसी की नहीं होगी। हम उस ब्राह्मण का वध कर देंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही यहां कुछ अशुभ घटित होने वाला है। अशुभ तो घटित हो चुका है मित्र। एक साधारण ब्राह्मण हम क्षत्रियों के माथे पे कलंक लगा गया और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। मित्र, कुछ अनुचित मत कर बैठना। स्मरण रहे कि इस ब्राह्मण युवक ने परीक्षा में सफल होकर द्रौपदी का वरण किया। कैसे भूल जाऊं अपना अपमान, हस्तिनापुर का मान, तुम्हारा अपमान। चलो क्षत्रिय वीरों, खो दो अपने माथे का कलंक। चलो पांचाली को यहां से सुरक्षित ले जाइए। मैं भी युद्ध कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है पांचाली, परंतु तुम्हें भी अपने वर की योग्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी भुजाओं में बाण चलाने की शक्ति और छाती पर घाव सहने की क्षमता, तुम्हें अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंगराज, नियति सबको दूसरा अवसर नहीं देती, परंतु तुम्हें दूसरा अवसर मिला है। चयन करने में भूल मत कर बैठना। योद्धा का मन सदा युद्ध करने को ललायत रहता है, परंतु जैसे मैंने जरासंध से कहा था कि योद्धा वही होता है जो जब तक हो सके युद्ध को टाले। आपने एक और बात कही थी वासुदेव कि हम सब नियति से बंधे हैं, तो युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकते हैं, कभी तारण तो कभी शंका का निवारण। कैसी शंका अंगराज? आप तो मेरा मन पढ़ सकते हैं ना वासुदेव, तो बताइए
कि जो मेरे मन में चल रहा है क्या वो सत्य है? सत्य तो कुछ भी हो सकता है अंगराज, बस उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे शंका का निवारण केवल एक ही मार्ग है। तो प्रमाण के लिए ही युद्ध होगा। जिस प्रकार हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार हर धनुर्धारी के बाणों की चाल भी एक दूसरे से भिन्न होती है। हम सब नियति से बंधे, युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकता है, कभी तारण कभी शंका का निवारण। स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। भूखे हो ब्राह्मण, अभी वृक्ष उखाड़ रहे। अरे हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक मूर्ख का स्मरण होता है, वो भी भोजन के लिए सदैव व्याकुल रहता था। अरे महाकाय ब्राह्मण, बालकों पर क्यों प्रहार कर रहे? आओ मुझ पर प्रहार कर, आओ। इससे अवसर की तुम्हें कब से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? सोच लो, कभी कभी असत्य वचन का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अंगराज, युद्ध में वाणी से नहीं धनुष से काम लो, अन्यथा
यही तुम्हारे अंतिम शब्द होंगे। एक ही योद्धा है जो इतना चपल है, अर्जुन। ग्रह से जीवित बच निकले, अर्थात माता कुंती भी सुरक्षित है। समझ गया हूं कि तुम एक महान योद्धा हो ब्राह्मण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इस युद्ध की आकांक्षा स्वयंवर में विजय की आकांक्षा से भी कहीं अधिक है, और आकांक्षा मेरी भी यही है कि ऐसे ही एक वीर से अपना अधूरा द्वंद पूर्ण करूं। परंतु वो अधूरा द्वंद युद्ध भूमि में पूर्ण होगा, किसी अभिमानी के स्वयंवर में नहीं। लंका का निवारण हो गया, अब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। जाओ ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। रुक जाओ मित्र, युद्ध यहीं समाप्त करो मित्र। विजेता को अपनी स्वयंवर आदर से ले जाने दो मित्र। नहीं मित्र, हम इन मित्रों में वाद परिवाद नहीं होता। ये ब्राह्मण अपने उपहार का अधिकारी है। जाने दो इसे। Come on.
कुंती और पांडव जीवित हैं, मेरे मन से एक बोझ उतर गया, अन्यथा लाक्षाग्रह की वो अग्नि मेरे मन को सदैव जलाती रहती। इसलिए आप पांडवों की मृत्यु की सूचना से व्यथित नहीं थे, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात था। यदि ज्ञात ना भी होता तो भी व्यथित होने का कोई कारण नहीं था। कारण अब तो सत्य स्वीकारिए केशव, अब समझ आया आपका वो कथन कि एक खेल प्रारंभ होने जा रहा है, वो खेल जिसका मैं भी एक पात्र हूं। अब समझ में आया कि आपने मुझे स्वयंवर में भाग ना लेने की मंत्रणा क्यों दी। अब समझ आया कि कर्म की हुंकार भरने वाले कृष्ण उस समय क्यों मौन रहे जब जन्म के कारण हरी सभा में मेरा उपहास उड़ाया गया। अर्जुन के लिए हिना नटवर, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? केवल अर्जुन को स्वयंवर में जिताने के लिए? इसलिए आपने ऐसी परीक्षा रखी जो अर्जुन के पक्ष में हो, ताकि वो पांचाली का भंग कर सके। अर्जुन के लिए इतना झुकाव क्यों? उसके लिए मेरा अपमान क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? इतना पक्षपात क्यों? क्यों वासुदेव? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं मित्र? क्यों, क्या आप नहीं हैं? नहीं कर, मैं अर्जुन के उतना ही पक्ष में हूं जितना तुम्हारे पक्ष में। सत्य कहूं तो मैं सबके पक्ष में हूं और किसी के पक्ष में भी नहीं। ये तो कर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पक्ष चुनता है। मित्र आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे ज्ञात है कि ये खेल आप ही ने रचा है। ठीक है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे किया? नहीं, मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि आपने ये क्यों किया। प्रश्न बड़ा विकट है कर्ण, यदि विस्तार से इसका उत्तर दिया तो सुनने में तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, परंतु तुम्हारे शंका के निवारण के लिए मैं इसे संक्षिप्त में बताता हूं। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा।